ठीक है, बन गई फाइल डोम डॉट, और एक फाइल बनेगी गेट डॉट जेएस, गेट डॉट जेएस। तो देखो समझो, मैंने लिखा है यहाँ पर सिंटैक्स, तो आपको फाइल कौन कौन सी बनानी है, डोम डॉट एस टी एम एल, दूसरी फाइल गेट डॉट जे एस, तीसरी फाइल सेट डॉट जे एस, या आप तीन फाइल बना लो सर, फोल्डर या फाइल, फाइल में फाइलें बनानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर होगा ना, उसी में तो काम कर रहे हो। डन है सर। बाकी लोग अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट कर लो, गेट डॉट जेएस को इस तरीके से आप लिंक कर लो, माइक बंद कर लो, इसका माइक ऑन हो गया किसी का, स्क्रिप्ट में लिख लो एसआरसी के अंदर गेट डॉट जे एस, और फिर ये डिब, डिब के अंदर एक आईडी ए नाम की, ठीक है, एच वन में हेलो ग्वालियर टी, ठीक है, इतना कर लो आप लोग, एक डिप बना लो, डिप के अंदर आईडी ए नाम की कर लेना, उस डिप के अंदर एच वन पी कर लो, एक स्क्रिप्ट में एस आर सी लगा लो गेट डॉट जे एस, इतना काम कर लें आप लोग। कर लिया? हाँ सर। चलो अब देखो, अब बात करते हैं डोम क्या होता है। डोम मैनिपुलेशन करना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ डोम जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखो क्या लिखा है, डोम ठीक है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्राम इंटरफेस रिप्रेजेंट का एस टी एम एल और XML डॉक्यूमेंट्स आदि रिलेटेड ट्री स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिलहाल मैं स्टाइलिंग देखो स्पेशली अगर मैं आपको समझाऊं तो डोम के अंदर हम स्पेशली दो ही काम करते हैं, है ना, एक करते हैं डेटा को गेट कर लेते हैं डोम की मदद से, और एक हम डेटा को सेट कर देते हैं डोम की ही मदद से, ठीक है। डेटा गेट करना और डेटा को सेट करना, ये हमारा काम होता है डोम के अंदर। जैसे अब देखो मैंने एक फाइल बनाई डोम डॉट एस टी एम एल, ठीक है, और एक बनाई थी मैंने गेट डॉट जे एस, एक बनाई मैंने सेट डॉट जे एस। अभी मैं क्या करूंगा, डोम की मदद से ये एस टी एम एल का जो डेटा है इसको गेट करेंगे अपन, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं गेट डॉट जे एस के पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया गेट डॉट जे एस के अंदर, तो मैंने क्या कर रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। मैंने कहा ए के ए आईडी के पास जाओ, ठीक है, आईडी है ना, इसके पास जाओ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनर टैग इनर एसटीएमएल, HTML का कैपिटल आएगा, है ना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का ये डोम की, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा,
ए वाले के पास जाएगा, ए आईडी के पास, ये इसका एचटीएमएल गेट कर लाएगा, ठीक है, गेट करके इस डेटा में स्टोर कर देगा। उस डेटा को अपन क्या कर रहे हैं, कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डोम की मदद से डेटा को गेट कर रहे हैं। देखो मैं रन करता हूं ब्राउजर पे, देखो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे गया मैं, देखो दिख रहा है पूरा एचटीएमएल गेट होके आ गया। आप देखो यहाँ पे H1P गेट होके आ गया, जो ए वाली आईडी के अंदर था ये H1P। अगर मैं इसके नीचे कुछ और भी डाल दूं H2 हेलो, तब देखो ये भी गेट हो जाएगा। रिफ्रेश किया, देखो आ गया एचपी में हेलो लिखा हुआ, देख पा रहे हो आप लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डोम की मदद से ये एचटीएमएल का जो डेटा है उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अकेला आपको टैक्स गेट करना हो तो आप क्या लिखोगे, इनर टैक्स। तो ये ओनली क्या गेट करेगा, सिंपल सा टैक्स, देखो कर लाया हेलो ग्वालियर, देखो दिख रहा है ना सबको मेरे स्क्रीन पर, यस सर, वॉइस मेरी वॉइस सही आ रही ना आप लोगों को, यस सर, मेरी स्क्रीन सही दिख रही है, यस सर, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं यहां लिखता हूं इसके अंदर स्टाइल कलर रेड, ठीक है, स्टाइल कलर रेड। अब देखो, देखो अभी रेड कलर हो गया, अब इसको मैं गेट करना चाहता हूं, इस स्टाइल को गेट करना चाहता हूं। तो गेट डॉट जेएस पे आऊंगा, इसको चालू करूंगा, ठीक है, जी लिखा ना गेट एट्रीब्यूट्स और लिखा है इसके अंदर स्टाइल। देखो देखो कलर रेड हो गया, कलर रेड को मैं गेट कर लाया, दिख रहा है। दूसरा अब तुमने कहा कि पूरा मैं टैग ही गेट करना है, तो क्या लगा दोगे, गेट एट्रीब्यूट नोड। देखो देखो पूरा गेट कर लाया स्टाइल कलर रेड। अब तुमने कहा आईडी गेट करनी है, तो आप क्या लिखोगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर जीरो, जीरो पे क्या गेट होगा, देखो आईडी, तो आईडी में क्या आउट क्या आ गया, तो रिफ्रेश किया, देखो क्या आ गया इसका, ए देखो जो उसका आगे वैल्यू, ठीक है, और थोड़ा रंग से रिफ्रेश कर देता हूँ, उनसे आ जाएगा भी। देखो आ गया ए। तो हमने क्या किया, डोम की मदद से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट विद आईडी ए, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को गेट कर रहे हैं। डोम क्या करता है, यहाँ पे जाता है, ए वाली आईडी को ढूंढता है, उसका डेटा गेट करता है और इसमें जाके स्टोर कर देता है, उसको अपन कंसोल में चेक कर रहे हैं। आई बात समझ में, अब इतना पहले आप लोग करो, तो नोट करें आप लोग तो चेक करें, इसी पे डिपेंड है पूरा जावास्क्रिप्ट आगे का जो भी काम होता है। एक बार डोम वाली फाइल खोलना है, चेक करें आप लोग,
एक साथ सारे नहीं चलेंगे है ना, एक एक चेक करना आप लोग ना। हेलो, हाँ जी बताइए। आ रहा है तो इसका फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है ब्राउजर पे, तो गेट करने का फायदा क्या है? आया मन में क्वेश्चन? हाँ बोलो कि कंसोल में क्या फायदा मिल रहा है? yes, वो तो हमें ब्राउजर पे भी शो हो रहा है, तो गेट करने का बेनिफिट क्या है इसमें डोम से, है ना? तो अब बात करते हैं उसके ऊपर कि गेट का बेनिफिट क्या है। तो हम समझते हैं देखो, आपको लॉग इन फॉर्म देखा, आप लॉग इन फॉर्म लॉग इन करते हो कोई चीज? देखो मैंने यहाँ पर डाला यूजर नेम विकास, पासवर्ड 123, सेंड किया, क्या आउटपुट आया? इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, दिख रहा है सबको? यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और अगर मैं सही डाल देता हूं अभी, जबकि मैं कोई डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 3, अब क्या लिख के आ गया ये? ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा कहीं ना कहीं गेट हो रहा है, तो डेटा कहीं ना कहीं गेट हो रहा होगा ना, चेक हो रहा है। हेलो सर, है ना? तो अब देखो हमने क्या किया, हमने यहां पे एक इनपुट लिया जिसमें लिए हमने आईडी यूजर नेम नाम की, एक पासवर्ड ली, इसमें आईडी ली मैंने पासवर्ड नाम की, ठीक है। जब कोई यूजर टाइप करेगा तो इसमें आके स्टोर हो जाएंगी। फिर हमने क्या किया देखो, ऑन क्लिक लगाया, जैसे कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये ऑन क्लिक चलेगा, उससे मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। सीखा था ना ऑन क्लिक, फंक्शन कॉल होता है उस पर। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ नीचे पर आए, फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, वैल्यू गेट कर ली। देखो अब वैल्यू गेट किससे करोगे? डोम से तो करोगे, जो यूजर टाइप करेगा। क्यों सारे लोग, जो यूजर टाइप कर रहा है वो वैल्यू अब कैसे गेट करोगे? डोम से, डोम से, है ना? तो हमने क्या किया, डोम से वैल्यू गेट कर ली यूजर नेम की, इसमें स्टोर कर दी। ऐसी पासवर्ड की वैल्यू गेट कर ली, इसमें स्टोर कर दी। फिर कंडीशन, इफ कंडीशन लगा दी, क्या कहा, यू नेम इक्वल इक्वल पी एन है क्या, एंड लग गया बीच में, और पास इक्वल इक्वल बन चुकी है कि नहीं। अब यू नेम में हम, मैं डाल दिया विकास, अब पासवर्ड डाल दिए 123, तब भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। क्या आना चाहिए यू नेम में? पी एन, और पास में क्या आना चाहिए? 123, तभी तो कंडीशन ट्रू होगी, तभी तो ओके होगा, और नहीं तो आउटपुट क्या आएगा? इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। आ रही बात समझ में? हमने क्या किया, डोम से डेटा गेट किया, इसमें स्टोर कर लिया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है गेट का क्या मतलब है? यस सर। बाकी लोग गर्ल्स समझ में आया? हाँ सर, यस सर। कर लो, अब नोट कर लो, बना लो एक फाइल लॉगिन नाम की, login.html।
एक्सक्यूज मी सर, बोलो तेरे लॉगिन फॉर्म में गेट एलिमेंट का कहां पे यूज हो रहा है एक बार फिर से बताना। डेटा गेट करने में देखो, आपने डेटा भरा, भरोगे जो भरोगे ना इनपुट में, तो डेटा इसमें आ जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड में। बटन पे क्लिक किया, ये बटन पे फंक्शन कॉल हुआ, अपन अंदर आ गए फंक्शन के, ये लगाए डोम। डोम क्या कर रहा है, जो यूजर नेम है उसकी वैल्यू को गेट कर रहा है और इसमें स्टोर कर रहा है। हरी बस फॉर्म में अपन चेक करा रहे हैं, आ गया समझ में कि नहीं? यस सर, नोट करो। गेट एलिमेंट बाय आईडी को डोम बोलते हैं, ये तो सर जावा में यूज होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हो जाए इतना बताना, सही नोट करना आप लोग सही से। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर, आउटपुट आ गया। यस सर, अब बात करते हैं गेट समझ आ गया। डेटा गेट कैसे करते हैं, क्लियर हो गया? अभी आगे और भी यूज होगा इसका गेट का, ठीक है। अब आते हैं सेट पे। अब देखो, तो जैसे
ये नोट हो गया। अब मैं इतना इसको बंद कर लेता हूँ HTML को। देखो यहाँ पे लिखा मैंने स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट SRC set.js, ठीक है, कनेक्ट कर लेना है ना। फिर मैंने डिव बनाया यहाँ पे आईडी ए डिव, आईडी बी डिव, आईडी सी लास्ट करता, लास्ट सी। अब देखो ये तीनों डिव खाली हैं। हेलो आप देख रहे हो तो देख लो खाली पड़े हैं। अब इसके अंदर डेटा सेट करेंगे डोम की मदद से। क्या सेट करने वाले हैं? डेटा सेट करेंगे हम लोग डोम की मदद से। पर नोट करो आप लोग, उसी में हो गया सर, डन सर, हो गया। क्या बात करो, वॉइस भी करो, वहाँ से सुना दूँगा। चलो बाकी लोग कर लिए ना? यस सर। अब देखो, अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें डेटा सेट करेंगे। देखो अब आ जाओ सेट वाली फाइल में। कौन सी फाइल में? सेट वाली। देखो सेट डॉट जी, हमने क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी ए। मैंने कहा ए वाली आईडी के पास जाओ, एचटीएमएल सेट करना है। क्या एचटीएमएल? सेंटर सेट कर दो, H2 सेट कर दो, उसमें लिख दो पी एन प्रोसेस। आप देखना ब्राउजर पे, देखो लिख के आ गया पी एन प्रोसेस ग्वालियर। जबकि हमने यहाँ पे HTML कुछ भी नहीं लिखा, देखो खाली पड़ा, देखो पूरा, देखो ये तो भाई कैसे आगे। देखो इसको बोलते हैं डेटा सेट करना, जो आजकल रिएक्ट में हो रहा है। रिएक्ट में यही तो हो रहा है। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो हम रिएक्ट के अंदर ही HTML का काम कर रहे हैं, ठीक है। और देखो अब मैंने इस ए के अंदर क्या सेट कर दिया, स्टाइल बॉर्डर सेट हो जाए। अरे रिमूव करना हो रिमूव कर लो, लो ये तो रिमूव हो गया, ठीक है। उसके लिए क्या लिखते हैं अपन? रिमूव एट्रीब्यूट। बी वाली, बी में मैंने क्या सेट कर दिया? वाली समझ आया? नोट कर लो डेटा सेट कैसे कर रहे हैं अपन।
सर ये सब हम बॉडी में डायरेक्ट क्या फाइल बना के ये सब करके इससे तो काम बढ़ेगा ना सर, हम ये बॉडी और स्टाइल में भी तो लिख सकते थे जैसे हम एचटीएमएल सीएसएस में नॉर्मल करते हैं। ठीक है तो मुझे बताओ कि फिर रिएक्ट वालों ने फिर ये रिएक्ट में वो फेस वालों ने रिएक्ट पे क्यों बनाई फिर फ्रंट एंड सिंपल एचटीएमएल सीएसएस भी काम चल जाता उन लोगों का क्यों रिएक्ट के अंदर उन्होंने एचटीएमएल लिखनी पड़ी उन्हें ये रिएक्ट वही तो पूछ रहा हूं रिएक्ट एंगुलर क्यों चलने लगे फिर से हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा था लगाते हैं ना इसलिए नहीं जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा था लाइट वेट पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या हुआ हम फेसबुक कहां सुनाते हैं फेसबुक पहले एचटीएमएल और सीएसएस पे काम करता था फ्रंट एंड पे। अब जब फेसबुक पर ट्रैफिक आया तो वो लोग बैकएंड में कुछ कर नहीं पा रहे थे तो उन्हें क्या करें फ्रंट एंड को कैसे फास्ट करें। और जब भी कोई फ्रंट एंड पे काम होता है तो जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी तो यूज़ होती होती है तो उसके यहाँ तो काम हो ही नहीं पाता था। तो उन्होंने कहा यार कि अब हम एचटीएमएल सीएसएस में क्या कर सकते हैं इसको फास्ट कैसे करें फटाफट को लोड जाए फटाफट चलने लगे। तो उन्होंने देखा कि जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट होती है। उन्होंने क्या देखा कि जावास्क्रिप्ट और वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट तो यूज़ होती है फॉर्म वेरिएशन करा लो है ना पहले हम जावास्क्रिप्ट का एक्स का यूज़ करते थे बहुत सारे कामों के लिए जो फास्ट चलता है। तो अब जावास्क्रिप्ट के जो फेसबुक था ना उनकी टीम ने क्या किया जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके रिएक्ट बनाया। उन्होंने डोम देखा उन्होंने क्यों ना हम डोम के अंदर ही एचटीएमएल के सारे कोड कर लें क्योंकि डोम फास्ट है। तो उन्होंने क्या किया जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक बनाई लाइब्रेरी रिएक्ट। ठीक है उन्होंने और रिएक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया रिएक्ट का एक जावास्क्रिप्ट ही फंक्शन बेस्ड पूरा उन्होंने क्या किया उस फंक्शन के अंदर एचटीएमएल कोड लिखना चालू कर दिया। जावास्क्रिप्ट फास्ट है फंक्शन फास्ट है फंक्शन से क्या होता है हर चीज़ के फंक्शन बना कर उनको कॉल कर दो सिंपल तो ऑटोमेटिक उससे क्या हुआ उनका रिएक्ट कैसी हो गई फास्ट हो गई सिंगल पेज एप्लीकेशन बन गई। आई बस समझ लोगे ना जो चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी पड़ रही थी वो चीज़ों को हमने क्या किया फंक्शन के अंदर डाल दिया उस फंक्शन को हमने बार बार कॉल करते चले गए तो चीज़ें रिपीट होना बंद हो गई और जब चीज़ें रिपीट होना बंद हो गई तो चीज़ अपने आप फास्ट हो गई। ठीक है हो गया नोट इतना अभी तुम खुद देखोगे जब रिएक्ट पढ़ोगे अभी तुम रिएक्ट की वेबसाइट चला के देखना और एक सिंपल वाली चला के देखना तुम्हें दोनों में डिफरेंस को दिखेगा अपने आप। नोट हो गया इतना हो गया नोट हो जाए बता yes, दो यस सर yes, अब देखो अब इतना लिखते थे ना गेट एलिमेंट आई डी लिखते ना तो इसके बल्दी आप क्या लिख सकते हो सिंपल क्वेरी सिलेक्टर समझ आ गया। ये लिखने की बजाय आप सिंपल ये भी लिख सकते हो क्वेरी
सेलेक्टर हैश को शो करता है, आईडी को शो करता है ना, ये आईडी को है ना। तो अगर मैं ये बंद कर, बहुत से आपको क्वेरी सेटअप लिखा मिल जाएगा जिससे आप कंफ्यूज ना होंगे ये क्या है, ठीक है। तो आउटपुट देखो वही आएगा, ठीक है। अब इसका देखो फायदा देखो, यहाँ देखे ना, अब देखो हमने एसटीओ में कुछ यहाँ पे इस वाले पेज पे कोई लोड ही नहीं पड़ रहा है, खाली पढ़ा देखो ये पूरा, देखो इतना लिखा बस, इसमें कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। अब सी एस एस लगानी हो तो डॉट का यूज कर लो क्लास का, है ना, देखो याद रहे, ठीक है। तो गेट एलिमेंट वे आई डी भी यूज कर सकते हैं और क्वेरी सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, सर इसमें टैक्स अपने आप नहीं आते हैं? कौन से टैक्स? नहीं, वो सब तुम्हें लिखने पड़ेंगे। बाकी लोगों का सर आउटपुट दिखाना एक बार, हो गया सर। बाकी लोगों का समझ में आया था ना?